आप स्टार्ट कर दीजिए। नमस्कार बच्चों, मेरा नाम श्वेता दुबे है। मैं गुप्ता माध्यमिक हिंदी शाला जलेश्वरी पूर्व से हूँ। आज मैं आप सभी लोगों को इतिहास विषय पढ़ाऊंगी। इतिहास विषय का ये नौवां पाठ बदलता जीवन भाग एक। जैसा कि आप सभी लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट किया है, इस चैप्टर में अभी तक 1961 से वर्ष 2000 तक के कालखंड में जो भी घटनाएं घटी थी, जो भी बातें हुई थी, उन सभी का अध्ययन आप सभी लोगों ने किया। फिर आगे चलकर इसमें परिवार संस्था, समाज कल्याण, अनुसूचित जातियां, जनजातियां, सार्वजनिक स्वास्थ्य, किडनी ट्रांसप्लांट, टेस्ट ट्यूब बेबी और टीकाकरण, इन सभी के बारे में आप लोगों ने कल पढ़ाई की थी, जानकारी हासिल की थी। ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ये सारे जो मुद्दे हैं, किस किस तरीके से इनमें प्रगति हुई है, कौन कौन सी तकनीकी से इनका उपयोग किया जा रहा है, ये सारी बातें आप लोगों ने इसमें पढ़ा है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है शहरीकरण। शहरीकरण शब्द का अर्थ होता है बच्चों शहरों की ओर जाना, शहर की तरफ बढ़ना। शहर और नगर क्षेत्रों में जन बस्तियों के केंद्रित होने की प्रक्रिया को ही शहरीकरण कहते हैं। तो जिस तरह से हमने अपने इतिहास में हमने पढ़ा है, अभी से नहीं बल्कि हम पहले से ही पढ़ते आ रहे, प्राचीन काल का इतिहास हमने पढ़ा है, कैसे कैसे मनुष्य ने, कैसे कैसे पाषाण युग के मानव ने तरक्की की, प्रगति हासिल की, किन किन खोज को उन्होंने किया। तो बच्चों ऐसे ही किसी भी नदी के किनारे बसना, नदी के किनारे रहना, वहां पर खेती करना, इस तरीके से धीरे धीरे मनुष्य ने अपना आवास बनाया और ऐसी जगह पे रहना चुना जहाँ पे उनको प्रॉपर पानी मिल सके, अच्छे से पानी मिलेगी तो वह जगह अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी। फिर उन्होंने खेती करना प्रारंभ किया। खेती करने के बाद वो धीरे धीरे लोग छोटे छोटे ग्रुप में छोटा छोटा गांव बसा के रहने लगे। तो गांव में सारी जो सुविधाएं कृषि पर ही आधारित थी, लेकिन धीरे धीरे प्रगति और तरक्की के चलते सुविधाओं पूरी अच्छे तरीके से सुविधा न मिलने के कारण गांव के लोग धीरे धीरे शहरों की तरफ आने लगे, नौकरी करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, इलाज कराने के लिए। तो ये सब शहरीकरण का मुद्दा है कि क्यों लोगों ने गांव से शहर की ओर प्रस्थान किया, क्यों लोगों ने शहरीकरण किया। तो शहरीकरण में जन बस्ती को आगे जाना या शहर की ओर जाना, जनसंख्या का बढ़ना, तो ये सब शहरीकरण या एक दूसरा शब्द यहाँ पे दिया हुआ है नगरीकरण। नगर और शहर ये दोनों सेम शब्द हैं, समान अर्थ ही हैं अगर कहूँ तो। इन दोनों शब्दों का मतलब एक ही होता है, ठीक है, आगे हम देखेंगे। आगे दिया गया है इसमें जनसंख्या का बढ़ना नगरीकरण का महत्वपूर्ण कारण है, जनसंख्या का बढ़ना। तो जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ती जा रही है और लोगों की आवश्यकताएं बढ़ती जा रही, इसके हिसाब से लोग शहरों की तरफ जाते हैं क्योंकि शहर में सारी सुख सुविधाएं हैं और तकनीकी है, चाहे वो शिक्षा के लिए अच्छी अच्छी व्यवस्था है, अच्छे अच्छे स्कूल है, कॉलेज है। तो इस प्रकार से लोग शहर की ओर ज्यादातर बढ़ते जा रहे हैं। हवा, पानी, समूह जीवन के लिए आवश्यक आर्थिक एवं सामाजिक संस्था आदि घटकों का नगरीकरण पर परिणाम होता है। स्वातंत्र्योत्तर भारत में मृत्यु दर का घटना, स्वातंत्र्योत्तर भारत मतलब स्वतंत्रता के बाद भारत में औद्योगिकीकरण, ग्रामीण भाग में रोजगार की अनुपलब्धता, शहरों में रोजगार अवसर एवं व्यापार स्थलांतरण नगरीय जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण है। मतलब गांव में लोग खेती करते हैं, नौकरी बहुत कम होता है, वहां पर नौकरी करने के अवसर बहुत ही कम होते हैं, इसलिए लोग नौकरी करने के लिए शहर में आते हैं।
फिर यहाँ पर थोड़ा छोटा छोटा अपना व्यापार स्टार्ट करते हैं। फिर स्थलांतरण का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर आना। तो ये सब जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण है। शहर में कैसे लोगों की आबादी बढ़ती जा रही है और गांव से लोगों की आबादी कम होती जा रही है। आगे देखेंगे शहरों पर पड़ने वाले दबाव को कम करना हो तो छोटे छोटे गांव में रोजगार उपलब्ध करवाना होगा। अगर गांव में भी अच्छी नौकरी हो तो लोग वहां से शहरों की तरफ नहीं आएंगे। मतलब शहर में जनसंख्या बढ़ती जा रही है, आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं। इन चीजों को अगर ध्यान दिया जाए और गांव में भी छोटे छोटे रोजगार अगर उपलब्ध करा दिए जाए तो गांव के लोग भी यहाँ वहां नौकरी के लिए नहीं भटकेंगे। आर्थिक विकास का संतुलन साधना। आर्थिक विकास यानी कि जैसे आय व्यवस्था, इनकम अगर वह अच्छा हो जाए तो कोई भी गांव छोड़कर दूसरी जगह पर ना जाए। महानगरों की होने वाली वृद्धि को नियंत्रित करना। ग्रामीण तथा नगरीय भागों में आवश्यक सेवाएं एवं सुविधाएं उपलब्ध करवाना जैसे उपाय हैं कि अगर गांव में भी सारी सुविधाएं कर दी जाएं तो लोग शहरों की तरफ कम जाएंगे। तो ये था बच्चों अपना शहरीकरण का टॉपिक, जिसमें हम लोगों ने गांव में रहकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाना, अच्छी इनकम या अच्छी आय नहीं जुटा पाना, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लोग शहरों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, ये था हमारा शहरीकरण का मुद्दा। अगला दिया है ग्रामीण भाग। ग्रामीण भाग यानी पूरे गांव की जानकारी यहाँ पे दी गई है कि गांव क्या होते हैं, गांव क्यों बने हैं और उन्हें गांव ही क्यों कहा जाता है। स्वतंत्र या सामूहिक रूप से बोली जाने वाली भूमि के पास रहने वाले किसानों की बस्ती को गांव कहते हैं। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि स्वतंत्र या ग्रुप में जो लोग छोटे छोटे जगहों पर बसते हैं और उन वहां पे जैसा कि मैंने अभी बताया कि प्राचीन काल या पाषाण युग का जो मानव था उसने नदियों के किनारे ही बसना सही समझा, क्योंकि नदी के किनारे की जो भूमि होती है वो उपजाऊ हो जाती है। उस उपजाऊ जगह पर फसलों की पैदावार करना, खेती करना बहुत ही अच्छा होता है। फिर मनुष्य ने खेती करके उनकी कटाई, जुताई, बुआई सब कुछ करके फिर कृषि से मनुष्य ने अपने व्यापार को स्टार्ट किया था, प्रारंभ किया था। तो वही जगह, वो जो इतनी जगह है, काम करने वाले किसान हो गए और ऐसे ग्रुप बना के रहने वाले लोगों की जगह को गांव का नाम दे दिया गया। कृषि की खोज किए जाने पर गांव अस्तित्व में आए। भारत की देहात पद्धति वीरल जनबस्ती की पद्धति है। देहात मतलब भी गांव होता है बच्चों, वीरल का मतलब होता है कम आबादी वाले। वीरल जनबस्ती की पद्धति है, जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा अभी, कि गांव से लोग सुख सुविधाओं की तलाश में, नौकरी की तलाश में शहर की ओर बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए वहां पर वीरल जनबस्ती हो गई है। आसपास फैली हुई खेती की भूमि और बीच में बसे हुए घरों की घनी बस्ती। जैसे तुम सब लोग गांव जाते हो, सबका गांव में घर है, तुमने खुद देखा होगा कि कैसे वो एक घर के बाद दूसरे घर के बीच में बहुत सारी जगह होती है, तो उसमें बहुत से लोग खेती करते हैं, तरह तरह की फसल उगाते हैं। तो आसपास फैली हुई खेती की भूमि और बीच में जो बसे हुए घर है, यही भारतीय देहातों की प्रमुख विशेषता है। ग्रामीण समुदाय बड़ा भी रहा तब भी नगरीय समुदाय की तुलना में वह काफी छोटा गुट होता है। गांव में चाहे कितने भी लोग रह ले, कितना भी परिवार, कितना भी घर हो जाए, लेकिन नगरीकरण या नगरीय की तुलना में वह काफी छोटा ही होता है और गांव से छोटा गुट बस्ती होती है। संपूर्ण भारत की ग्राम रचना एक जैसी नहीं होती है, सब जगह अलग अलग रचना होती है, प्रांतीय स्वरूप होते हैं, स्थलीय विशेषता के अनुसार उसमें अंतर भी दिखाई देता है। कोई गांव छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कहीं पे खेती अच्छी होती है, कहीं पे बहुत ज्यादा बंजर भूमि है, कहीं पे सारी सुख सुविधाएं हैं। जो लोग शहर से, जितने भी गांव हैं, अगर वो शहर के आसपास बसे हुए हैं तो उनके लिए शहरी सुविधाओं को पाना बहुत आसान होता है, लेकिन जो प्रॉपर गाँव में है उनको गाँव से शहर तक पहुँचने के लिए परिवहन की सुविधा नहीं होती है, पैदल जाना पड़ता है। तो ऐसे अलग अलग तरह से हमें गांव का
गांव की रचना हमें दिखाई देती है। सभी गांव में बहुत अंतर होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे स्वातंत्र्योत्तर कालखंड। अभी हम लोगों ने शहर और गांव दोनों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि गांव कैसे बसा, गांव किसे कहा जाता है, और गांव में रहने वालों को सिर्फ किसान नहीं कहा जाता, और भी व्यापार करने वाले और भी नौकरी करने वाले लोग गांव में रहते हैं, लेकिन जो खेती करते हैं वो किसान होते हैं। आगे दिया है ग्राम विकास की दृष्टि से सामूहिक विकास योजना प्रारंभ की गई। स्वातंत्र्योत्तर कालखंड यानी कि आजादी के बाद का जो समय है वो भी आप लोग पीछे के चैप्टर्स में पढ़ चुके हो, किस किस तरह की योजनाएं बनाई गई थी वो सब भी आपने पढ़ा है। बस ये एक छोटे से सार में यहाँ पर दिया गया है कि आजादी के बाद कई तरह की विकास योजना आई कि किस तरह से देश को विकसित किया जाए, किस तरह से गाँव को विकसित किया जाए। तो सबसे पहले जोर दिया गया कृषि तकनीक को बदलने पर कि पहले लोग बैल की सहायता से पूरे खेत को जोतते थे, बोते थे, लेकिन अब धीरे धीरे ट्रैक्टर आ गया है और भी अच्छी अच्छी कई तकनीकी आ गई है। जल सिंचाई को बढ़ाना, नदियों से खेतों तक पानी को पहुंचाने के लिए बहुत सी पद्धति, पहले तो नहर से और पाइप के माध्यम से, अभी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से सुविधा अच्छी हो गई है। शिक्षा का प्रसार करना, हर कोई पढ़े, हर कोई आगे बढ़े, इस बात पर हर जगह जोर दिया जा रहा है, चाहे वो छोटा सा गांव हो या बड़े से बड़ा शहर हो। तो शिक्षा में भी नई नई तकनीकी को लाना, भूमि सुधार कानून को मंजूर करना जैसी योजनाएं बनाई गई। खेती, जल सिंचाई, पढ़ाई और भूमि सुधार, इन बातों पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया। इन योजनाओं के अनुसार कृषि उपज को बढ़ाना, खेती की उपज को बढ़ाना, ज्यादा से ज्यादा फसलों की पैदावार करना, ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन, स्वास्थ्य और शिक्षा का प्रसार करना यह प्रमुख उद्देश्य था। ग्रामीण भाग में आर्थिक विकास को वरीयता देने का निश्चय किया गया। आगे चलकर यह निश्चय किया गया कि गाँव में भी आर्थिक विकास हो ताकि गाँव में भी रोजगार के अच्छे अच्छे अवसर आए और गांव के लोग भी यहाँ गांव को छोड़कर शहरों की ओर न जाएं। इसके लिए सरकार ने ग्राम पंचायत के माध्यम से ये सारा काम आरंभ किया। ग्राम पंचायत को, ग्राम पंचायत की संरचना में सभी जातियों को, जनजातियों के लोगों को शामिल करने की शुरुआत की गई कि हर कोई मिलकर है कि हम आगे क्या कदम उठा सकते हैं। इसके लिए ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के अधिकार बढ़ाए गए। तो इस प्रकार से गांव में भी विकास हो, जिसकी जिम्मेदारी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई। अगला टॉपिक दिया है बदलता आर्थिक जीवन। नई योजनाएं लागू करने से विकास की ओर बढ़ने के लिए आर्थिक जीवन को बदला गया। किस प्रकार से लोगों ने अपना आय व्यय या आर्थिक जीवन में सुधार लाया वो आगे के पैराग्राफ में दिया गया है। यहाँ दिया है कि पहले ग्रामीण के लोग आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर थे। क्यों? क्योंकि गांव के ज्यादा से ज्यादा लोग खेती करते थे, सभी लोग खेती करते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे धीरे, जैसा कि मैं बार बार बता रही हूँ, इतिहास हम लोग पाषाण युग से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो जिस मनुष्य के अंदर जो कला थी, जैसे खेती तो सभी लोग करते थे, लेकिन इनके अलावा किसी को नक्काशी करने का शौक था, किसी को मिट्टी के बर्तन बनाने का शौक था, किसी को सिक्के, धातु के सिक्के, हथियार, औजार बनाने का शौक था। तो जिसने जिसने जो जो काम शुरू किया वह उसी काम में कारीगर हो गया, वो वही काम करने लगा। तो कारीगर को उन लोगों के मेहनताने के रूप में कृषि उत्पादन बांट दिया जाता था। तो जैसे तुम लोग भी, सभी लोग गांव जाते हो, सबने देखा होगा, अगर कभी पहले, अब तो गांव में भी सारी सुख सुविधाएं हो गई हैं, गांव में भी सब कुछ आसानी से मिल जाता है। तो पहले तुम लोगों ने भी देखा होगा, कुछ अगर सामान चाहिए
तो हम लोग 1 किलो या आधा किलो गेहूं लेकर जाते थे, दुकान पे देते थे और वहां से कुछ ना कुछ सामान हम खरीद के ले आते थे। तो ये जो प्रथा है अनाज देकर सामान लाने की, ये पाषाण युग से ही चली आ रही प्रथा है। लेकिन उस वक्त पैसों का कोई महत्व नहीं हुआ करता था, तो जिसे चावल की जरूरत होती थी वो गेहूं देकर चावल ले जाते थे, जिन्हें गेहूं की जरूरत होती थी वो चावल या फिर कुछ और। जैसे मैंने बताया कि मिट्टी के बर्तन बनाना, तो मिट्टी के अच्छे अच्छे बर्तन बना के मिट्टी के बर्तन के बदले लोग गेहूं भी ले जाते थे। सुंदर नक्काशी करना, कपड़े बनाना और हाथी दांत से, जानवरों की खाल से नई नई चीजों को तैयार करना। तो जो जिस कला में पारंगत था वो अपने उस सामान को दूसरों को देकर उस बदले में अनाज लेकर आता था। लेकिन अब यह परिस्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है। ग्रामीण भाग को कृषि और कृषि संबंधी पूरक धंधों से जोड़ दिया गया, तो नगरीय समाज कृषि तर उत्पादन व सेवा व्यवसाय से जुड़ गया। तो कहने का मतलब ये कि अब शहर में भी रहने वाले लोग जो अन्न खाते हैं या जो अनाज खाते हैं वह गांव की ओर से ही आता है। जहां जहां खेती होती है वहां से ही शहरों में ये अन्न आते हैं। अन्न के अलावा भी तिलहन है, दलहन है, गन्ने की फसल है, फ्रूट्स हैं, जितने भी फल हैं, ये जहां जहां होते हैं वहां वहां से शहर की ओर इन सारी चीजों का आयात निर्यात होने लगा। तो अब की जो परिस्थिति है उसमें कोई भी पिछड़ा हुआ नहीं है। जैसे शहर विकसित हो रहे हैं वैसे ही धीरे धीरे ही सही लेकिन गांव भी विकसित हो रहे हैं। ग्रामीण विकास अगला टॉपिक है। ग्रामीण विकास किस तरह से, किन किन चीजों में गाँव में विकास हो चुका है और हो रहा है। भारत में वर्ष 1961 में 82% लोग गांव में ही रहते थे, लेकिन 1971 में यह अनुपात 80.1% पर आकर रुक गया। यानी जो यहाँ पे गैप दिख रहा है बच्चों, उतने लोग शहर की ओर बढ़ गए थे। अनाज एवं अन्य कच्चे माल का उत्पादन कर शहरों की जरूरत को पूरा करना, शहर के औद्योगिक विभागों को श्रमिकों की आपूर्ति करना, प्राकृतिक संसाधनों की देखभाल करना, ये सारे काम ग्रामीण भाग आज तक करता आया है। इस कारण आर्थिक व्यवसायों का विकास करना, सामाजिक आवश्यकताएं एवं सुविधाओं का विकास करना, सांस्कृतिक सामाजिक एवं वैचारिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, ये 3 महत्वपूर्ण चुनौतियां ग्रामीण विकास के संदर्भ में आई। तो 3 महत्वपूर्ण चुनौती जो यहाँ पर दी गई है वो है आर्थिक व्यवसाय का विकास करना, सामाजिक आवश्यकता और सुविधा का विकास करना कि समाज की क्या क्या आवश्यकताएं हैं। सबसे ज्यादा जरूरी गांव के लिए जो सबसे बड़ी समस्या थी वो थी बिजली की, और दूसरा कहीं ना कहीं अगर एक तरह से देखे तो पानी की भी जो सुविधा थी वो गाँव में पूरी तरह से अच्छे तरीके से नहीं प्राप्त हो पाती थी। फिर धीरे धीरे इन सभी बातों पर ध्यान दिया गया और सभी जगह पर ये सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। भूमि सुधार एवं जल सिंचाई परियोजना को गति प्रदान किया गया कि किस तरह से नए नए परियोजना का निर्माण करके गांव-गांव तक नहीं बल्कि खेत-खेत तक पानी को पहुंचाया जा सके, ताकि खेतों में जो फसलें हैं उन्हें प्रॉपर सही तरीके से पानी मिल सके। आगे दिया है सामाजिक आवश्यकता एवं सुविधा कि अब समाज की आवश्यकता क्या क्या है और उन्हें किस किस प्रकार की सुविधा मिलनी चाहिए। सबसे पहले सार्वजनिक स्वच्छता एवं स्वास्थ्य की सुविधाओं की ओर प्रधानता क्रम से ध्यान देना आवश्यक है। स्वच्छता का जो टॉपिक है ये हम लोग हमेशा से सुनते आए हैं, साफ सफाई, स्वच्छता रखना, सफाई का ध्यान देना, तो ये सब आज की समस्या नहीं, ये सब समस्या बहुत पहले से ही चली आ रही है, लेकिन धीरे धीरे इन समस्याओं पर ध्यान दिया जा रहा है और इनमें सुधार किया जा रहा है। पेयजल को 12 मासी सुविधा देना, 12 मासी मतलब 12 महीने यानी वर्ष भर सबको पीने वाला पानी मिल सके ऐसी सुविधा कराई गई। अब तो नल की सुविधा हो गई है, पहले बच्चों देख लो पानी का भी बदलता प्रारूप, यहाँ पर पेयजल का टॉपिक आया तो मैं पानी का बदलता प्रारूप भी बता देती हूँ कि जो हमारे पूर्वज थे, पूर्वज के भी पूर्वज जो थे, उन्होंने पानी को नदियों में, झरनों में, झीलों में, समंदर में, इस प्रकार से हमने पानी को देखा।
पीने वाला पानी नदियों में उन लोगों ने देखा था। उसके बाद की जो पीढ़ी आई उन लोगों ने पानी को कुएं में देखा कि पानी कुएं कुएं में भी, जबकि धरती से ही जमीन से ही पानी का यह साधन उपलब्ध है कि कुएं बना दिए गए, कुएं के माध्यम से अलग अलग जगह लोग पीने का पानी प्राप्त कर सके। फिर उसके बाद की जो पीढ़ी, जैसे हम लोग सब आए तो हम लोगों ने पानी को नल में देखा, हम लोगों ने पानी को नल में देखा, पीने वाला पानी। और अपने साथ साथ जो हमारे बाद की थोड़ी और यंग जनरेशन आई, उन्होंने पीने के पानी को बिस्लेरी की बॉटल्स में देखा। अब आगे आने वाली पीढ़ी पानी किस में देखेगी पता नहीं, लेकिन मेरा सिर्फ ये टॉपिक यहाँ पर बताने का यही मकसद था कि पानी हमारे लिए आज से नहीं, न जाने कितने वर्ष पुराना, न जाने कितने साल पहले से पानी हमारे लिए एक आवश्यकता बन गई है। तो पानी को बचाए रखना ये हमारी भी जिम्मेदारी है। तो पेयजल की सुविधा अगर सरकार ने की है तो हमें पानी का सही इस्तेमाल करना चाहिए। स्वच्छता गृह, वॉशरूम, बाथरूम जैसे शौचालय, हम लोगों ने गांव में, हम गांव जाते ही हम गांव में देखते हैं कि पहले लोग खुले में शौच वगैरह करते थे, लेकिन धीरे धीरे इन शौचालय की भी व्यवस्था जगह जगह हर घर कराई गई। बंद नालियां, संकरी सड़कें, ग्रामीण भागों में बिजली, पहले तो लाइट होती ही नहीं थी। जैसे गांव और शहर में बिजली को लेकर एक छोटा सा अंतर बताती हूँ कि जैसे हम लोग यहाँ शहर में रहने वाले, एक दिन अगर लाइट चली जाए तो हम सब खुश हो जाते हैं कि अरे वाह अंधेरा हो गया, हम लोग सब चिल्लाते थे हाँ चलो अभी अच्छा है, कुछ काम नहीं करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जस्ट इसका उल्टा होता है गाँव में कि जब वहां पर लाइट आती है तो वहाँ के लोग इतने खुश हो जाते थे, अरे लाइट आई, ये सीरियल देखना है, ये फिल्में देखना है, तो इस तरह की खुशी होती थी। लेकिन अब गांव में बिजली की भी पूरी तरह से सुविधा हो चुकी है, 24 घंटे बिजली बहुत से गांव में, बहुत से क्षेत्रों में पहुंच चुकी है। अगला है औषधोपचार। औषधोपचार का मतलब होता है दवाइयों के बारे में, सही इलाज के बारे में, सही दवाइयां प्राप्त होना। तो पहले के जमाने में अगर कहें हम, तो पहले ज्यादा से ज्यादा दवाइयों की भी सुविधाएं नहीं थी, लेकिन अब तकनीकी इतनी अच्छी हो गई है, प्रगति इतनी ज्यादा हो गई है कि अगर एक बीमारी है तो उस पर 10 दवा निकल जाती है। तो इस तरह से जो सुविधाएं शहर में हो रही हैं, अभी भी गांव में धीरे धीरे वो सुविधा पहुंच रही है। हॉस्पिटल, डॉक्टर, लोग गांव से शहर की ओर आते हैं इस भरोसे पे कि यहाँ पे नई तकनीकी है, अच्छी तकनीकी है, यहाँ पर अच्छे से अच्छा इलाज होगा। लेकिन अब यह सुविधा गांव में भी हो रही है, वहां पर भी अच्छे अच्छे हॉस्पिटल हैं, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं। इसके बाद प्राथमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा तक, प्राथमिक शिक्षा यानी कि जो पढ़ाई है प्राथमिक से लेकर माध्यमिक, माध्यमिक के बाद उच्च माध्यमिक यानी विश्वविद्यालय तक, स्कूल से लेकर बालवाड़ी से लेकर विश्वविद्यालय तक की अच्छी शिक्षा गांव में भी अब होती है। वहां पर भी पढ़ाई के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। इसके अलावा मनोरंजन केंद्र, वाचनालय, लाइब्रेरी, थिएटर्स या क्रिकेट स्टेडियम ले लो, जो भी हम यहाँ पर शहर में देख रहे हैं, इन सभी चीजों का इंतजाम, इन सभी चीजों पर ध्यान गांव में भी दिया जा रहा है। इसलिए गांव भी अब बदल रहे हैं, गांव में भी अब पूरी तरह से विकास हो रहा है। आगे के पैराग्राफ में दिया हुआ है प्रथम चार वर्षीय योजना। भारत की प्रथम चार वर्षीय योजनाओं के समूह विकास योजना को महत्वपूर्ण स्थान था। तो बच्चों, आप सभी लोगों ने पीछे के चैप्टर्स में पंचवर्षीय योजना आप लोगों ने पढ़ी, जिसमें 5-5 साल के लिए जो समय डिसाइड किया गया था, उसमें जो जो योजनाएं बनती गई वो सफल होती गई तो आगे भी उनको लागू किया गया। तो इस तरह से जो भारत की पहली चार योजना थी उन सभी में समूह विकास यानी ग्रुप को लेकर विकसित करना, किसी एक एक व्यक्ति को विकसित करना नहीं बल्कि ग्रुप को लेकर, पूरे गांव को लेकर, पूरे शहर को लेकर चलना, तो इस चीज में महाराष्ट्र राज्य ने बहुत ही अच्छा काम किया। महाराष्ट्र में वर्ष 1962 में जिला परिषदों की स्थापना की गई। वर्ष 1970-71 में महाराष्ट्र में स, क, स, सकस आहार प,
पौष्टिक भोजन योजना की शुरुआत की गई कि महाराष्ट्र में हर घर में हर बच्चे तक हर व्यक्ति तक पौष्टिक आहार पहुंच सके हर कोई, क्योंकि बच्चों यहाँ पे पौष्टिक आहार की आवश्यकता इसलिए हुई क्योंकि अपने यहाँ देश में बहुत से बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाते थे, सही तरीके से खाना नहीं मिलना, पौष्टिक आहार नहीं मिलना, प्रोटीन वाली चीजों का इस्तेमाल ना करना, जिससे कुपोषण बीमारी बहुत चली थी। लेकिन धीरे धीरे उन सभी पर भी ध्यान दिया गया और हर किसी को पौष्टिक भोजन मिल सके, हर बच्चे को पौष्टिक आहार मिल सके, इस योजना की शुरुआत की गई। कुएं खोदना, नलों द्वारा जलापूर्ति करना, इसके लिए ग्रामीण जलापूर्ति योजना भी शुरू की गई। वर्ष 1971 में उसके अंत में 1677 लघु बांध परियोजनाओं का काम पूर्ण किया गया। बांध परियोजना, बांध का मतलब ये होता है कि जहां पर कोई बहुत बड़ी नदी है, जहां पे बहुत ज्यादा पानी का वेग है, तो वहां पे बांध बना दिया जाता है ताकि पानी के वेग को थोड़ा सा कम किया जा सके। नहीं तो अचानक से अगर कभी बरसात होगी तो नदियों में बाढ़ आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, तो इस वजह से बांध बनाए गए ताकि पानी को भी सही प्रवाह मिल सके और पानी जगह जगह सही तरीके से पहुंच सके। अगला टॉपिक है बच्चों, ग्रामीण विद्युतीकरण, बिजली के बारे में, लाइट्स के बारे में, कि किस तरह से ग्रामीण भाग में विकास के लिए बिजली की आवश्यकता होती है। कृषि में जलापूर्ति हेतु स्वचलित पंप लगते हैं। स्वचलित यानी खुद से चल रहा है, मतलब वो कहीं चल के नहीं जा रहा, ऐसे ऐसे नल का ऐसे ऐसे जलापूर्ति, जैसे तुम लोगों ने फव्वारे देखे होंगे जिसे हम लोग फाउंटेन भी कहते हैं, तो इस तरह के नल जगह जगह लगाए गए बिजली की सहायता लेकर, उन्हें जब चालू किया जाता है तो वो पानी ऑटोमेटिक चारों तरफ पानी को फैलाते हैं। इस तरह से कृषि में एक नया सुधार, सिंचाई में एक नया सुधार, दूध एवं अंडे जैसे नाशवान पदार्थ टिकाए रखना, फल एवं शाक सब्जी टिकाए रखना, खाद परियोजना चलाना, विद्यार्थियों के अध्ययन हेतु रात में बिजली का होना, पंखा दूरदर्शन जैसे यंत्रों के लिए बिजली लगती है, इन सभी चीजों के लिए, चाहे फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, पंखे हैं, और बच्चे रात में भी पढ़ाई कर सके, रात में मतलब सूरज ढलने के बाद, शाम के बाद भी बच्चे पढ़ाई कर सके, इन सभी बातों पर ध्यान दिया गया और बिजली की सुविधा को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बिजली की सुविधा प्रदान की गई। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि में 3000 देहातों में विद्युतीकरण किया गया। कि भारत की जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसमें 3000 गांवों में इलेक्ट्रिक सप्लाई यानी विद्युत बिजली की सुविधा उपलब्ध कराई गई। यहाँ पे बच्चे एक छोटा सा चार्ट दिया हुआ है, कॉलम दिया है कि वैश्वीकरण से पहले समय में ग्रामीण और नगरीय समाज, तो अभी हम लोग ने गांव और नगर दोनों को हमने पढ़ा, लेकिन अब यहाँ पे एक नया टॉपिक ऐसा दिख रहा है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण भी तुम लोग पढ़ चुके हो, तो जैसे मैंने यहाँ पे नगरीकरण बताया कि गांव से लोग शहर की ओर जा रहे हैं और शहर के लोग अलग अलग देशों में जा रहे हैं, तो वो है वैश्वीकरण। वहां जाकर दूसरे देशों में, मतलब अपने गांव की गई खेती को शहर तक फसलों को पहुंचाना, फिर शहरों से उन फसलों का आयात निर्यात विदेशों में करना, दूसरी जगह करना, ये सब वैश्वीकरण, यानी दूसरे देशों में भी अपने देश में उगाई गई फसलों को पहुंचाना, ये सब वैश्वीकरण का ही एक हिस्सा है। तो उस वक्त की बात यहाँ बताई गई है कि ग्रामीण और नगरीय समुदाय में क्या अंतर हुआ करते थे, तो शॉर्ट में ही बता देती हूँ। कृषि और उससे जुड़े हुए धंधों को वरीयता दी गई, प्राथमिकता उनको ही दी गई। नगर में कृषि उत्पादन सेवा व्यवसाय को वरीयता दी गई। गांव में छोटा आकार, भाषा, संस्कृति एवं परंपरा एक विधि का पालन किया जाता था, जाता है भी। शहर बड़े होते हैं, यहाँ पर भी अलग अलग भाषा, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग परंपरा के लोग रहते हैं। प्राथमिक स्वरूप का व्यवसाय, बाहरी लोगों को ग्रामीण व्यवसाय में समाहित करना, यानी प्राथमिक स्वरूप यानी खेती में, और बाहर के लोगों को भी उसमें शामिल करना, और गांव के लोग यहाँ पे दिया है कि बाहर के जो लोग हैं ग्रामीण व्यवसाय में, उन लोगों को शामिल करने की जगह लोग पीढ़ी दर पीढ़ी अपने ही बच्चों को भी उसमें शामिल करते थे, अपने गाँव के लोगों को शामिल करते थे,
इस तरह से लोग फिर उन्हें शहर भेजना, ठीक है। फिर शहर वाले में दिया है कि बड़े बड़े व्यवसाय तथा विश्व स्तर के लिए उत्पादन करना, कि ताकि जो उत्पादन यहाँ हो रहा है, गांव में हो रहा है, शहरों में हो रहा है, उसे विश्व स्तर पे अन्य भागों में पहुंचाना। अनुवांशिक व्यवसाय की मात्रा यहाँ पर गांव में बहुत अधिक है, लेकिन शहर में दो प्रकार की है। परिवार प्रमुख एवं परिवार व्यवस्था को वरीयता संयुक्त परिवार पद्धति है। गाँव में लोग, मतलब कहने का ये यहाँ पर ऐसा है कि जो हमारे पूर्वज हैं वो लोग संयुक्त पद्धति में रहते थे, और उस संयुक्त पद्धति में जितने बच्चे होते थे उन सभी लोगों के परिवार को मिलाकर एक एक गांव बन जाता था। तो ये पूरा एक जो गांव होता है, तुम लोगों को खुद पता होगा, तुम लोग भी अपने गांव जाते हो, देखते रहोगे कि सब एक ही गुट वाले, एक ही परिवार वाले, एक ही खानदान वाले मिलते हैं, एक घर छोड़ के दूसरे घर में भी। तो इस प्रकार से वो एक ही परिवार के लोग हैं, खाली अब धीरे धीरे लोगों ने घर अलग अलग भले बना लिया है, लेकिन गांव में आज भी जो कार्य होते हैं, जो त्योहार मनाए जाते हैं, वो सामूहिक तरीके पर ही मनाया जाता है। लेकिन शहर में यह पद्धति, संयुक्त परिवार की पद्धति, बिगड़ती हो चुकी है। यहाँ पर लोग संयुक्त परिवार में नहीं रहते, यहाँ सब लोग अपना अपना अकेले अकेले काम करते हैं। तो ये एक छोटा सा पैराग्राफ मैंने बीच में लिया था, जिसमें हमने गाँव समुदाय और शहर समुदाय के बारे में हमने अंतर पढ़ा। अब अपना जो टॉपिक यहाँ चल रहा था विद्युतीकरण का, उससे मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। कि हमने पढ़ा था कि वर्ष भारत के प्रथम पंचवर्षीय योजना में 3000 देहातों में विद्युतीकरण को किया गया था। इसके बाद वर्ष 1973 में 1,38,646 देहातों तक यह सुविधा पहुंच गई। उसके बाद 1966 में पंप और नलकूप को भी अधिक बिजली देने की योजना बनाई गई, ताकि ज्यादा से ज्यादा नलकूपों को, पंपों को बिजली मिल सके, ताकि खेतों तक भी पानी पहुंच सके आसानी से। वर्ष 1969 में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना की गई। इससे आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण सहकारी संस्थाएं अस्तित्व में आई। आगे दिया है अगला टॉपिक, और अपना ये बच्चों लास्ट टॉपिक है औद्योगिक विकास। औद्योगिक विकास का मतलब होता है उद्योग, व्यापार, उद्योग को बढ़ावा मिलना, उद्योग का विकास होना। किस प्रकार से, किन तरीकों से इस पर ध्यान दिया गया, वो हम लोग इस पैराग्राफ में पढ़ने जा रहे हैं। ग्रामीण और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने हेतु ग्रामोद्योग नियोजन समिति की स्थापना की गई। वर्ष 1972 के अंत तक इस योजना में 1,06,000 लोगों को रोजगार मिला। देख सकते हो बच्चों, ग्रामोद्योग नियोजन समिति की स्थापना होने के बाद 1,06,000 लोगों को रोजगार मिला, नौकरी मिली। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिकूल परिस्थिति में रहने वाले विशेष बुद्धिमान विद्यार्थियों को भी उच्चतम शिक्षा, उन बच्चों को भी उच्चतम शिक्षा, अच्छी से अच्छी पढ़ाई की सुविधा कराई गई। और इसमें सबसे अच्छा, सबसे बड़ा कदम उठाया महाराष्ट्र सरकार ने। सतारा, औरंगाबाद, नासिक एवं चिखलदरा में विद्या निकेतन नाम से छात्रावास माध्यमिक विद्यालय आरंभ किए। जैसे जिन बच्चों को गांव में, जो बच्चे गांव में रहते हैं, उन्हें अगर अच्छी सुख सुविधा नहीं मिल पा रही है, उनकी आवश्यकताएं वहां रहकर पूरी नहीं हो पा रही है, और वो बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, वो बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, तो उन लोगों के लिए सरकार ने छात्रावास तैयार किए, ताकि बच्चे वहां जाकर रह सके, वहां से अपनी वो पढ़ाई पूरी कर सके और वह आगे बढ़ सके, उनकी पढ़ाई रुके ना, इसलिए बहुत सारी सुविधाएं कराई गई। कोठारी आयोग की सिफारिश के अनुसार महाराष्ट्र में राहुरी, अकोला, परभणी एवं दापोली में कृषि विश्वविद्यालय शुरू किए गए। विश्वविद्यालय खेती को लेकर भी, बच्चे खेती से भी हम पढ़ाई अपनी कर सकते हैं, खेती में भी करियर के बहुत से ऑप्शन है। अच्छी खेती करके नई नई फसल को उगाना, नई नई खेती करना, उनका आयात निर्यात करना, इस प्रकार से भी अपना फ्यूचर तुम बना सकते हो।
इस पर भी ज्यादा ध्यान दिया गया। कृषि विश्वविद्यालय बनाए गए ताकि जिन बच्चों को खेती में इंटरेस्ट है या जो बच्चे खेती की बिल्कुल भी जिनको जानकारी नहीं है उनको पढ़ाई के माध्यम से खेती करना सिखाया गया। महाराष्ट्र द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए गए कार्यों को देखते हुए यूनेस्को ने वर्ष 1972 में साक्षरता प्रसार गौरव का अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार महाराष्ट्र को प्रदान किया। साक्षरता प्रसार यानी हर बच्चा पढ़ सके, कोई भी अनपढ़ ना हो, इस तरफ ध्यान देने के लिए यूनेस्को की तरफ से महाराष्ट्र को यह पुरस्कार मिला, अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिला साक्षरता प्रसार गौरव की। पढ़ाई को लेकर इतनी अच्छी सुविधाएं कर रही है सरकार ताकि हर बच्चे को शिक्षा मिल सके, इसलिए महाराष्ट्र को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो बच्चों इस प्रकार से हम लोगों ने इस चैप्टर में स्वातंत्र्योत्तर यानी स्वतंत्रता के तुरंत बाद के समय में जो जो बाधाएं उत्पन्न हुई उन सभी बाधाओं को पार करते हुए भारत ने विकास का लक्ष्य साधने की शुरुआत की। भारत ने हमारे देश ने पूरी कोशिश की कि हर व्यक्ति तक सारी सुविधाएं सारी विकास योजनाएं पहुंच सके, इस पर हमारी सरकार हमारे देश की सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। तो एक छोटा सा रिवीजन हम यहाँ देखेंगे कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक हम लोगों ने पढ़े, क्या क्या हमने आज समझा। तो हम लोगों ने आज के टॉपिक में हमने शहरीकरण, गांव से नगर की ओर जाने वाले क्यों लोग गांव से शहर की तरफ जा रहे हैं ये हम लोगों ने पढ़ा। फिर हम लोगों ने ग्रामीण भाग पढ़ा जिसमें गांव की खोज कब कैसे हुई, गांव किसे कहा जाता है क्यों कहा जाता है ये हमने पढ़ा। आगे हम लोगों ने स्वातंत्र्योत्तर कालखंड की बारे में पढ़ा, स्वतंत्रता के तुरंत बाद किन किन चीजों में बदलाव लाना, किन किन चीजों में विकास लाना जरूरी था, उन सारे मुद्दों को हम लोगों ने यहाँ पे कवर किया। इसके बाद हम लोगों ने गाँव के विकास के बारे में पढ़ा कि किन किन चीजों में विकास होना अति आवश्यक है ताकि लोग गांव को छोड़कर न भागे, ताकि लोग खेती की तरफ भी तत्पर है, खेती करेंगे अनाज मिलेगा तभी हम तक ये सारे अनाज हम खा सकते हैं, हम जी सकते हैं। जीने के लिए अनाज जरूरी है, अनाज के लिए खेती जरूरी है और खेती के लिए गांव में लोगों का रहना जरूरी है, तो इसलिए गाँव में भी विकास की ओर ध्यान दिया गया। गांव के लोगों की या ग्रामीण जगहों पर सामाजिक आवश्यकता एवं सुविधाओं का भी ध्यान दिया गया। पेयजल दिया गया, मतलब पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई गई, बिजली की सुविधा उपलब्ध कराई गई, शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराई गई, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल अच्छे अच्छे डॉक्टर्स की भी सुविधा वहां उपलब्ध कराई गई, और सबसे बड़ी जो समस्या विद्युतीकरण की थी उस पर भी पूरा ध्यान दिया गया ताकि गाँव कोई भी गाँव बिजली रहित ना हो, हर गांव में बिजली हो, हर गांव में उजाला हो। इसके बाद आगे हम लोगों ने लास्ट टॉपिक पढ़ा था औद्योगिक विकास। अगर उद्योग में विकास करना है तो उसके लिए शिक्षा भी जरूरी है, अगर लोग पढ़े लिखे होंगे तो वह अच्छे अच्छे व्यवसाय को बढ़ावा दे सकते हैं, जिसके लिए सबसे अच्छा कदम महाराष्ट्र सरकार ने उठाया, छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराई ताकि पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, और इन सभी कार्य को अच्छे तरीके से करने के लिए महाराष्ट्र सरकार को यूनेस्को की तरफ से 1972 में साक्षरता प्रसार का गौरव पुरस्कार मिला। तो इस प्रकार से हमारा ये आज का चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। आप में से किसी को भी कुछ पूछना है या कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। किसी को कुछ पूछना है? सर मेरी आवाज आ रही है? मिस हेलो मिस पूछा बेटा आवाज। हाँ बोलो। छात्रावास मतलब हॉस्टल, हॉस्टल जहाँ पर लोग रहकर अपनी पढ़ाई करते हैं, मतलब स्कूल बड़े बड़े कॉलेज होते हैं या स्कूल होते हैं वहीं पर बच्चों के रहने खाने सोने की व्यवस्था कराई जाती है, उसे छात्रावास कहा जाता है। छात्रावास को अगर हम तोड़ेंगे तो छात्र आवास
यानी स्टूडेंट के रहने की व्यवस्था, उसे छात्रावास कहा जाता है। ठीक है, और कोई? अभी कोई नहीं है मिस, लास्ट स्टेटमेंट दे दीजिए और क्लास एंड कर दीजिए मिस। ओके ठीक है सर। ठीक है बच्चों, मेरा टॉपिक यहाँ पर पूरा होता है और सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अच्छे से रहो, खूब पढ़ो, आगे बढ़ो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।